हेलो एवरीवन, मैं हूं शेफ रिपु दमन हांडा और आप देख रहे हैं विमल प्रेजेंट्स टिफिन ट्रीट्स, फन भी हेल्दी भी। और आज की जो रेसिपी है वो रेसिपी मेरे बहुत क्लोज है। मेरे क्लोज इसलिए है क्योंकि बचपन में पराठे बहुत खाता था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे स्कूल में मेरी मम्मी मुझे पराठों के अंदर हर तरह की सब्जी स्टफ करके देती थी। लेकिन जो आज की हमारी रेसिपी है वो भी कुछ ऐसी ही रेसिपी है। आज बनाने जा रहे हैं मैक्सिकन राजमा रैप। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यानी कि जो हम डिश बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्सिकन राजमा रैप। सबसे पहले बनाएंगे हम राजमा की पैटी, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे बॉइल्ड राजमा, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे हम विमल का फ्रेश पनीर, साथ साथ में डालेंगे इसके अंदर हम ये ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए, अनियन, गार्लिक, जिंजर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्यूमिन पाउडर और साबुत धनिया। और अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, एक साथ मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक पैटी के रूप में हम इसको कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे ये जो हमने राजमा है इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम एक पैन लगाएंगे, डालेंगे उसमें तेल। ये लीजिए, ये जब तक पैन गर्म होता है हम ये राजमा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये राजमा हो गए एकदम तैयार। चलिए डालते हैं इसमें हम विमल रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल। अब देखिए, इस तेल की खासियत यह है कि फूड के फ्लेवर्स को रिटेन करती है और साथ साथ में हेल्दी भी काफ़ी है। अब क्या करना है, ये जो राजमा है इसको हम इस तरह की पैटीज बना लेंगे। अब चाहे आप इसको कबाब की शेप दे सकते हैं या आप इसको राउंड टिक्की की शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह की शेप दे रहा हूँ ताकि ये जो हमारी रैप है उसके अंदर अच्छी सी स्टफिंग हो जाए। साथ साथ में हम इसको ऑयल में डाल देते हैं। तो ये लीजिए, ये एक और पैटी तैयार और इसको हम टर्न कर लेते हैं। ये देखिए, वाह, एकदम गोल्डन एंड क्रिस्पी। सो लीजिए, ये जो पैटी है एकदम तैयार हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं हम और इसके बाद बनाते हैं हम सालसा। परफेक्टली डन, क्रिस्पी फ्रॉम द बोथ द साइड स्पेशली। देखिए एकदम क्रिस्पी है दोनों तरफ से। इसमें हमने कोई स्लरी यूज नहीं किया है, जस्ट राजमा, पनीर एंड ब्रेड क्रम्स, दैट्स इट। गैस को करते हैं बंद और अब बनाते हैं सालसा। सालसा के लिए लेंगे एक बोल, डालेंगे इसमें हम टमाटोज, साथ साथ में अनियन, डालते हैं गार्लिक, क्यूमिन पाउडर, लेमन जूस और साथ में टमाटो सॉस, सॉल्ट एज पर टेस्ट, दैट्स इट, और धनिया, काफी सारा धनिया जाएगा इसमें। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, सालसा तैयार है, राजमा पैटी तैयार है। करते हैं इसकी प्लेटिंग, मतलब इसको बनाते हैं रैप की फॉर्म में। सबसे पहले सफाई करते हैं यहाँ से और फिर तैयारी करते हैं रैप की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे रैप को असेंबल करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है ये पराठा, जो घर पे इजीली अवेलेबल होता है, आप घर पे आराम से बना सकते हैं पराठा। ये तो आप चपाती यूज़ कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। साथ में हम यूज़ करेंगे इसके अंदर विमल मेयोनेज, जो अगले सर पे हो। ये लीजिए, ये हमने डाल दिया इसमें मेयो। इसको अच्छे से हम स्प्रेड कर लेते हैं और स्प्रेड करने के बाद हम रखेंगे इसमें ये राजमा पैटीज।
ये पैटीज जो है मैंने स्पेशली इस रैप के लिए बनाई है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये पैटीज भी नॉर्मली टिफिन के अंदर सर्व कर सकते हैं लाइक ए कबाब। और साथ में ये जो सालसा है, इस सालसा के अंदर मैं ये बचे हुए बॉयल राजमा डाल देता हूँ इस तरह से। इसके टॉप में मैं सर्व करूँगा सालसा। ये देखिए, और अब क्या करना है, इसको मैं रोल कर दूंगा लाइक दिस। एकदम मार्केट की तरह ये जो रैप है ये मैंने पैक कर दिया। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग, यानी कि टिफिन पैक करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे ये सालसा और राजमा जो मैंने मिक्स किए हैं ये इसके अंदर। देखिए, सो ये हो गए हमारे सालसा एंड राजमा, इसको रखते हैं इसके अंदर। और अब ये जो हमारा मैक्सिकन रैप है इसको हम इस तरह से काट लेते हैं। ये गया हमारा मैक्सिकन राजमा रैप। देखिए ये ठंडा हो चुका है, लेकिन अगर ये गर्म होता है तो पहले इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आइए एंड देन आप पैक कर सकते हैं इसको। तो ये गया जी इसके अंदर ये राजमा मैक्सिकन रैप। करते हैं इसको बंद और साथ में इसके सर्व करेंगे विमल केसर चेयर्स। सो एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत फायदेमंद है। और ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज अगर आप देखना चाहते हैं हमारे साथ तो बने रहिए और देखते रहिए विमल प्रेजेंट्स टिफिन ट्रीट्स, फन भी हेल्दी भी। और साथ ही साथ अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।